नमस्कार। इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कि अगर केवल तीन बच्चों का परिवार है, तीनों लड़के हैं, तो तीनों में से किसकी मौत पहले होने की संभावना रहती है? क्योंकि हमने ये चीज़ अनुभव किया है कि बड़े बच्चे के प्रति पिता का लगाव अधिक होता है, ज़्यादा होता है, और इसी तरह से छोटे बच्चे के प्रति माँ का लगाव ज़्यादा होता है। अभी अगर बच्चे तीन से ज़्यादा है या दो है तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ पिता का झुकाव, एक तरफ माँ का झुकाव, बात बराबर है, कुल मिला जुला के दोनों को लगभग बराबर प्यार मिल जाता है। या फिर तीन से अधिक है तो बड़े को ज़्यादा मिला, छोटे को ज़्यादा मिला, मगर बीच के दो एक दूसरे को देख के कंपेरेंस करके कि हाँ उसके साथ भी हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है, तो उस हिसाब से भी उनको उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहाँ पर केवल तीन का मैटर है कि केवल तीन ही लड़के हैं किसी दंपत्ति के, और बड़े लड़के के प्रति निश्चित रूप से पिता का झुकाव है और छोटे लड़के के प्रति माँ का झुकाव है, और ये नेचुरल बात है और ये होता ही होता है, सभी क्या होता है, वो जिसके तीन बच्चे उसके साथ इसका इफेक्ट जो है बीच वाले लड़के पे ये पड़ता है कि उसे प्यार मिलता है माँ बाप का, साया भी मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिलता। जैसे कि कोई एक चीज़ आई अगर वो बड़े के लायक है तो बड़े को दे दी जाएगी, फिर कोई एक चीज़ आई अगर वो छोटे के लायक है छोटे को दे दी जाएगी, तो ऐसी कोई चीज़ परिवार में आएगी ही नहीं अगर एक पीस आई कि वो बीच वाले के लायक हो। ये मेरा अपना सोचना है कि अगर कोई भी चीज़ अच्छी आई है और बड़े के लायक है, जैसे कि बाइक हुई, साइकिल हुई, या परिवार में जो स्टार्टिंग लेवल पे चीज़ें आती हैं, तो अगर सिंगल पीस कोई आई है तो वो बड़े को दे दी गई, बड़े के लायक है बड़े को दे दी गई। कोई छोटा खिलौना आया या कोई ऐसा खेलने का सामान आया जो छोटे बच्चों के लिए है तो वो छोटे को दे दी गई। हालांकि मान लीजिए तीनों बच्चों में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, एक एक दो दो ढाई ढाई साल का डिफरेंस है, ये मान के चलिए कि अगर बच्चे 10 साल से ऊपर हो गए हैं तो मान लीजिए एक 11 का, दूसरा 13 का और तीसरा 15 का, ये मान के चलिए, और उसके बाद उन्हें स्टॉपेज कर दिया। तो इस कंडीशन में ये अनुभव किया गया है, मैंने ये अनुभव किया है कि बीच वाला लड़का ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो उतना दुलार पाता नहीं है और परिवार के प्रति सजग रहेगा, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि उसको इस बात का ध्यान रहेगा कि जो किताब में लिखा है वो तो सही होगा, वो इतिहास भी देख रहा है कि राजा परिवार के बड़े बड़े लड़कों को ही राजा बनाया जाता है, बाद में युवराज बनाया जाता है, इसी तरीके से और लोगों के यहाँ भी देख रहा है, तो बड़े लड़के का प्रभाव परिवार में अधिक रहेगा ही रहेगा, चाहे वो भले ही अयोग्य हो। अगर वो अयोग्य है तो भी उसका ही नाम आगे आगे चलेगा पिता के बाद। जहाँ तक बीच वाले लड़के की बात है तो हिंदू परिवारों में बीच वाले लड़के को माता पिता को अग्नि देने का अधिकार भी नहीं है, या तो बड़ा ही देगा और या तो छोटा ही देगा, यदि दोनों ना हो तब बीच वाला देगा, बीच वाले का ऑप्शन फिलहाल कहीं नहीं है। क्योंकि पिता का बड़े लड़के पर अधिक प्रभाव है, इसलिए बड़ा लड़का कोई भी रिस्क लेने में डरेगा नहीं, जैसे जुए में पैसा हार जाना, उधार लेके पैसा हार जाना, या उधार लेकर के बिजनेस करना, उसको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि अगर बिजनेस फ्लॉप हो गया तो पैसा कहाँ से देंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पीछे कोई है और उसके पास जो मकान है, उसके पास जो रुपया बैंक में है, या उसका जो सोना गहना है, उससे हम सपोर्ट लेकर के लोन अदा कर देंगे, तो उसको लोन लेने में डर नहीं लगेगा। जबकि बीच वाला ये बात सोचेगा यार कि अगर ऐसा हो गया तो कहाँ से देंगे पिताजी, और बड़ा परेशान हो जाएंगे और मेरे वजह से घर की प्रॉब्लम आ जाएगी घर में, तो छोटा वाला लड़का बीच वाला लड़का नहीं लेगा। रही बात छोटे वाले लड़के की, चूँकि माँ की कृपा है, अभी जिस पर माँ की कृपा है उसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं, मेरे अपने अनुमान से कि छोटा वाला ही सबसे सेफ रहेगा,
क्योंकि उस पर माँ की कृपा है। और पिता की लगभग टोटल संपत्ति पे घूम फिर कर माँ का ही पूरा अधिकार है, और उसके सारे फैसले पिता के बाद माँ को ही करने हैं। तो मेरे अपने अंदाज से कि छोटे भाई लड़का तो लगभग पूरी तरीके से सेफ रहेगा, वो कोई ना कोई श्योर शॉर्ट सेटलमेंट भी उसका हो जाएगा, चाहे कोई उसका स्टैंडर्ड बिजनेस हो जाए, चाहे उसका कोई कोई सरकारी नौकरी हो जाए, या कोई उसकी कोई अच्छी पोस्टिंग हो जाए, जिसकी वजह से वो तो पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। अगर तीनों की औसत बुद्धि लगभग बराबर हो, यानी बीच वाला लड़का यदि थोड़ा कम दिमाग का है, तो मेरा अनुमान है कि वह समय से पहले मर जाएगा। क्यों? क्योंकि पिता की तरफ से पूरा प्रोत्साहन बड़े लड़के को दिया जा रहा है, माँ की तरफ से पूरा सपोर्ट छोटे लड़के को दिया जा रहा है, और बीच वाले पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से अगर वो थोड़ा सा दिमाग से नहीं पड़ा तो उसकी समय पूर्व मृत्यु हो जाती है, निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। और खासकर चूंकि उसके खुद का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने आप से गाइड प्राप्त कर सके बगैर किसी के सपोर्ट के, तो निश्चित रूप से मर जाएगा। और आप इस चीज़ को अपने जानकारी में अध्ययन करिएगा कि जो लोग जो है इस तरीके का परिवार है, जहाँ गिन लीजिए माता पिता और तीन लड़के, चौथा कोई नहीं होना चाहिए, टोटल पांच आदमियों का परिवार है, माता पिता और तीन लड़के, तो ऐसी जगह पे आप इस चीज़ को चेक कीजिएगा। अगर कोई जानकारी में होगा तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिता बड़े लड़के को पढ़ाएगा पूरा, किताब कापी स्कूल ड्रेस फलाना फीस स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड काम उसको पहले बड़े लड़के को पूरी तरीके से करेगा, दूसरे लड़के का भी करेगा, तीसरे लड़के का भी, लेकिन क्या है कि दूसरे लड़के को पढ़ाएगा लेकिन टेम्परेरी, उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं करेगा। वो करेगा पढ़ाएगा बराबर से पढ़ाएगा, लेकिन जैसे ड्रेस सिलाना हुआ तो बड़े भाई लड़के का ही बचा हुआ है वही पहन लो, किताब खरीदना हुआ तो बड़े बड़े लड़के की किताब रखी है वही पढ़ लो, तो उस पर उसको इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं करना है और करना भी नहीं चाहिए, वो उसी से सेकेंड हैंड चलता रहेगा। यही चीज़ तीसरे के साथ भी होगी। लेकिन अगर बीच वाला लड़का कहीं तेज दिमाग का है, पढ़ने में भी तेज है, उसके अंक जो है तीनों के मुकाबले बेहतर आ रहे हैं, उसके स्कूल की रिपोर्ट जो है तीनों लड़कों के मुकाबले बेहतर आ रही है, लेकिन माता पिता के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि हमें इस लड़के को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसकी डेवलपमेंट हो सकती है, तो इस चीज़ पे माता पिता का ध्यान नहीं जाता है। मेरा अपना अनुमान है कि नहीं जाएगा। बड़ा लड़का लद्दड़ है फिर भी उस पर कैसे पैसा खर्च करेंगे, ट्यूशन लगाएंगे, किसी तरीके से उसको पढ़ाएंगे। दूसरा लड़का अगर तेज भी है तो भी उस पर ध्यान नहीं देंगे, लगातार पास होता जाएगा तो भी ध्यान नहीं देंगे, अच्छे नंबर पाता जाएगा तो भी ध्यान नहीं देते जाएंगे, इस बात का नहीं ध्यान देंगे कि लाइफ को सपोर्ट करें, हो सकता है ये बहुत आगे निकल जाए। तो इस बात पे ना माँ को ध्यान है ना पिता को ध्यान है, माँ को छोटे लड़के पर पूरा ध्यान है और बाप को बड़े लड़के पर पूरा ध्यान है। तो ऐसी दशा में तो हो सकता है कि तेज दिमाग का होने के बावजूद बीच वाला लड़का जो है अविकसित रह जाए, तमाम सुख सुविधाओं से वंचित रह जाए। उसे जैसे कर्ण को नहीं प्रतियोगिता में भाग लेने दिया गया था सूत पुत्र के, तो उस तरीके से उसको बीच वाला समझ के हो सकता है तमाम कंपटीशन में उसे मौका ही न दिया जाए कि वो कंपटीशन क्वालिफाई कर सके। तो ये चीज़ आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये मैंने प्रॉब्लम चूँकि रीड की है, मेरी अपनी जानकारी में बहुत से ऐसे परिवार जहाँ केवल तीन लड़के हैं, तो उसमें मैंने देखा कि बीच वाला लड़का जल्दी मर जाता है। तो मैंने देखा, मैं सोचा पब्लिक की भी जरा इसमें राय लूँ कि लोगों का अनुभव क्या कहता है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मैंने देखा मान लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जो है इसमें भी अपने को देखते हैं विष्णु ही बीच में आते हैं। अगर हम इन तीनों को एक तरीके से भाई मान लें तो भी विष्णु को ही पैदा होकर मरना पड़ रहा है, माने अवतार विष्णु ही लेते हैं और पैदा होकर मरते भी हैं। और आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जी ने अवतार लिया इस रूप में और बाद में मर गए, ऐसा नहीं हो सुना होगा आपने। इस तरीके से शिव जी का भी नहीं सुना होगा, शिव जी का रुद्रावतार है तो हनुमान जी की मृत्यु नहीं हुई है, यानी कि ऐसा कोई किसी देवता का ऐसा अवतार नहीं हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों में से केवल विष्णु का ही अवतार इस तरीके से हुआ है कि वो पैदा होते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। जन कल्याण की चिंता भी उन्हीं को है ज्यादा, पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उन पर है और वो पूरा जो है अच्छाई और बुराई का तालमेल को भी मिलाते रहना है। तो ये चीज मैंने देखा कि बीच वाला लड़का हमेशा परिवार का हित ही सोचेगा,
हर दशा में वो परिवार के हित के ही कार्य करेगा, लेकिन फिर भी वो माता पिता की आंख में बसेगा नहीं, कभी नहीं बस सकता। मौका मिलने पर उसको अवॉइड ही किया जाएगा, या तो बड़े को ही सीट दी जाएगी या तो छोटे को ही सीट दी जाएगी। बीच वाले लड़के को कभी सीट देने का प्रयास नहीं किया जाएगा, जबकि वो पूरी तरीके से अपने माता पिता का भक्त होगा तो भी। और इस चीज़ को आप इस उदाहरण से देख भी सकते हैं। यही बात महाभारत में भी घटोत्कच की एंट्री के समय दिखाई गई थी कि घटोत्कच जब एंट्री दिखाते हैं तो उसकी माँ उससे कहती है, मेरे लिए एक बलि का आदमी ले आ, मुझे बलि चढ़ानी है। तो वहाँ पर रास्ते में उसे एक ब्राह्मण परिवार मिलता है जिसमें माता पिता और तीन बच्चे रहते हैं। तो जब बड़ा लड़का को पकड़ने लगता है घटोत्कच, तो फिर उसका पिता उसे रोक लेता है, नहीं नहीं मैं इसके बिना नहीं जी सकता। छोटे को पकड़ने लगता है तो उसकी माँ रोक लेती है कि नहीं नहीं मैं इसके बिना नहीं जी सकता। और बीच वाला कहता है मुझे ले चलो, तो उसको ले जाने को तैयार हो जाता है। ना तो माँ रोकती है ना तो बाप रोकते हैं। यानी यहाँ पर इस कहानी में ये साबित किया गया है, ये स्पष्ट किया गया है कि बीच वाले लड़के का कोई महत्व नहीं है, किसी को उससे कोई चाहत नहीं है। पैदा तो किया है उतने ही दर्द से, लेकिन उसे सीट नहीं दे सकते, उसे बचाने नहीं आगे आ सकते। और इन्हीं सब कारणों से प्रायः बीच वाला लड़का पहले मृत्यु के काल में चला जाता है। अगर पूरी तरीके से उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने को गाइड कर ले, अपने को बचा ले जाए, हो सकता है कुछ बचते भी हों, कोई जरूरी नहीं है कि मर ही जाए बीच वाला, कोई भी मर सकता है, मौत की कोई गारंटी नहीं है, बड़ा छोटा कहीं कभी भी कोई मर सकता है। लेकिन ऐसा हो, मतलब अगर अन्य बातें सामान्य रहे तो बड़े और छोटे को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब चीज़ भोगते भोगते हो सकता है बीच वाला लड़का पहले चल बसे। तो इस बारे में हम आप लोगों की राय लेना चाहते हैं, क्या ये बात सही लग रही है? और अगर सही लग रही है तो ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर मैं गलत हूँ तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।